Assalamualaikum, my students, how are you? Hopefully you both are fine. Now we are going to start our lecture number 9, class 8. Sabak number 2, Hajj aur uski alamgiriyat. तो उसमें स्टूडेंट हमारे पास जो था चैप्टर नंबर लेक्चर नंबर 7 और लेक्चर नंबर 8, उसमें हमने इसकी रीडिंग को कंप्लीट किया. आज हम लेक्चर नंबर 9 में अपनी जो है एक्सरसाइज इसकी वो यहाँ पे कंप्लीट करेंगे. इसमें पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है, हज में इस्लाम को क्या हैसियत हासिल है, इसका आंसर आपको पेज नंबर 13 यहाँ स्टार्ट में यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसका आंसर जो है वो नोट करेंगे. ये आपके जो है फर्स्ट आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ से यहाँ तक आप नोट करेंगे. नेक्स्ट हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है, यहाँ पे सफ़र हज के दौरान आलम इस्लाम के इतिहाद की जो रूह नुमाया होती है मिसालें देकर बयान करें, इसका आंसर भी आपको पेज नंबर 13 में यहाँ आपको सेकंड पैराग्राफ में यहाँ नज़र आएगा. यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसका आंसर जो है वो नोट करेंगे. ये आपका होगा सेकंड क्वेश्चन का आंसर. हमारा थर्ड और जो है लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन, मक्का मुकरमा और बैतुल्ला शरीफ पहुँचने के बाद मिल्लत इस्लामिया की वहदत के क्या मनाजर दिखाई देते हैं, इसका आंसर आप पेज नंबर थर्टीन यहाँ पे जो हमारे पास हमारा यहाँ लास्ट टॉपिक है, यहाँ से आपका थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होगा. और यहाँ पे जहाँ हमारा लास्ट पॉइंट तक हमने पढ़ा था कि बेशक हज गुनाहों को इस तरह दो डालता है जैसे पानी मैल कुचैल को दो डालता है, यहाँ पे हमारा जो है थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन उसका आंसर यहाँ तक हम कंप्लीट करेंगे. हमारे तीनों जो हैं क्वेश्चंस उसके आंसर हमने आपको नोट करवा दिए. यहाँ पे हमारा जो है अब चौथा हमारा जो क्वेश्चन है, खाली जगह पूर करें. खाली जगह में पहली खाली जगह है हज के लुगवी मायनी है डैश का इरादा करना. किस चीज़ का इरादा करना? हज के लुगवी मायनी है ज़ियारत का इरादा करना. यहाँ पहली खाली जगह में आएगा ज़ियारत का इरादा करना. दूसरी खाली जगह है यहाँ पे जो भी इस्तेतात रखता हो अल्लाह के घर का डैश करे, क्या करे? अल्लाह के घर का हज करे. तीसरी खाली जगह है हज का अहराम बांधने की मुकर्ररा जगह को डैश कहते हैं, मिकात कहते हैं. क्या कहते हैं? यहाँ पे तीसरी जगह पे आप लिखेंगे मिकात कहते हैं. चौथी खाली जगह, ए अल्लाह मैं हाज़र हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं. चौथी खाली जगह में आएगा ए अल्लाह मैं हाज़र हूँ. पांचवी हमारी जो है खाली जगह, बेशक हज डैश को धो डालता है, बेशक हज गुनाहों को धो डालता है. तो जी स्टूडेंट, यहाँ पे हमारी पांचों एक्सरसाइज, ये पांचों जो है खाली जगह कंप्लीट हो गई. पहली खाली जगह में था इसका आंसर ज़ियारत, हज, मिकात, हाज़र, गुनाहों. तो जी स्टूडेंट, ही हमने अपना जो है लेक्चर नंबर 9, इसमें अपनी जो मशक है वो उसके क्वेश्चन आंसर और खाली जगह जो है वो यहाँ पे हमने नोट कर ली. इस तरह से हमारा जो था हमारा बाब नंबर 2, यहाँ पे वो बाब नंबर 2 और उसकी एक्सरसाइजेज क्वेश्चन आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं. नेक्स्ट आप बाब नंबर 7 जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा.